चला गया क्या? दबाओ, आज तो ये काम नहीं जा रहा हूँ। चलो चलो, मास्क मास्क। अरे चावल तो भूल गए तुम, खाना ले जा रहे हो। जाओ अंदर जाओ, रखो इसको, आया बहुत आवाज है आज। होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 23,000 लोगों को फाइन मारा 46 लाख बॉम्बे में। बाप रे बाप, कमाई तो ऐसे ही हो रही है। हम लोग को ठेकेदारी दे देना तो यही काम कर ले हम लोग गवर्नमेंट को कमीशन बेस पे। इसका टेंडर निकल सकता है क्या? नहीं निकलेगा। अगर टेंडर निकल जाता तो हम लोग टेंडर ले लेते मस्त। हम लोग फिर साला 24 घंटे रोड पे ही रहते हैं, कहीं जाते ही नहीं। नींद सोते नहीं तो 6 महीने तो सोए, आराम किए लॉकडाउन में। सीध 24 घंटे नॉन स्टॉप काटते रहते, रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे, और ऐसे ऐसे जगह जगह जाते हैं। उसने यहाँ तो आएगा ही नहीं। जैसे होता ना, हर एरिया में पुलिस वाले एक फिक्स जगह रखते हैं जहाँ काटते हैं, फाइन मारते हैं, चलान काटते हैं, हेलमेट का, नो हेलमेट का, सरप्राइज विजिट करके। हम वो सब जगह छोड़ के बाकी हर जगह रहते हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और आज है 24 फरवरी, 28 का महीना है, 4 दिन और बचे हैं। 3-4 दिन एक्स्ट्रा रहता तो मज़ा आ जाता, थोड़ा सा टेंशन कम रहता रेंट का और सब चीज़ का। ये देखिए ओशन, हाँ। ये ओशन बड़ा अभी पार्लर से नहा वहा के आया है 2 दिन पहले, चमक रहा है ओशन। अरे क्या बात, भाव ही नहीं दे रहा है मेरे को तो। कहाँ एसी नहीं चलाना ना, सर्दी है ना तुमको तो। इतना फाइन मारे हैं कि सबके मुंह पे मास्क है आज, देख रहे हैं सब, सब बिना मास्क का एक आदमी नहीं है। क्या ऑफर था इसमें? 200 की थाली 100 रुपए में। हाँ, चिकन भी है, दाल भी है। नहीं नहीं, दोपहर में जो ऑफिस से बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी मिला है जिसको छोड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी। और हम लोग जा रहे हैं इरलान, लिफ्ट एक बार आपको ऊपर से नीचे चली गई है, नीचे चली गई। मोटू वॉचमैन है ना, बुड्ढे अंकल जो बैठते हैं, उन्होंने थर्ड फ्लोर पे दबाया था। अच्छा, वो जैसे कैसे बढ़िया, खाना खा के हमने सोचा वॉक नहीं करते हैं, वॉक नहीं करने से पेट निकल रहा है, देसी बहाने हम बाहर घूमने निकल गए हैं। जनरली हम लोग दोपहर में बाहर निकलते नहीं, बट आज निकले हैं। तो आज निकलने के बाद ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो गर्मी आ गई है। और हमारे वसीम भाई आए हुए पिक करने के लिए, कहीं तो है, वेट कर रहे हैं। उनको पार्किंग नहीं मिली, पहले आते वो खाना खाते घर पे ऑफिस में, पर पार्किंग नहीं मिलने की वजह से जो है वो बोले भाई नीचे ही आ जाओ, खाना नहीं खाएंगे आज। ठीक है, कैमरा गर्म हो गया मेरा, बहुत गर्मी है, गाड़ी के अंदर पसीना छूट रहा है भाई। इसको सेट करो ना आपने, ना मुंह पे नहीं रखने का भाई साहब। अब हो गया, रूम टेम्परेचर में आ गए कार के, तुम सेट हो गया। कल मेरा बैंगन का सालन 9 बजे रात में सड़ गया, आप सोचो गर्मी। मुझे ये लगा कि तुम ये बोल रहे कल मेरी गर्मी से बैंगन का भरता बन गया मेरा। नहीं, मेरा गुस्सा आया मुझे खाने में, फ्रिज में क्यों नहीं रखा? वही तो मैंने आज शोभा को चिल्लाया है। आज शाम का फिक्स हो गया, इधर जो डेरी है पीछे फिक्स हो गया है आने का इधर, और चाय पीने का है। ब्लॉग जो है आज शाम को यहाँ क्लोज होगा, पहले बता दिया है। और ये देखिए, अरे भाई छुट्टे नहीं है का? ना ना, ये पैसा थोड़ी देता है, फ्री सर्विस है वसीम भाई, हवा और ये सब नहीं लगता है लोग। अच्छा, क्यों नहीं लगता भाई? तो खोलो वसीम भाई। देखिए अभी मेरा ब्लॉगिंग एक नंबर हो गया, साफ हो गया कांच। थैंक यू भाई साहब, सोच रहा है इसको देना नहीं, भाग रहा है। अच्छा, पीछे भी साफ कर रहा है, ले लो ना, दे दो उसको भी, शूट कर रहे हो। 20 रुपए 20 रुपए दे दिया, दिल टूट गया मेरा। साड़ा दिल जो है टूट गया है, अभी 20 रुपए का झटका लगा है। सामने से बोलो जल्दी, साफ करने के लिए मेरे को बोलते हैं वसीम, मैं साफ करके 20 रुपए ले लेता। चलिए इधर आगे से यूटर ले लीजिए, उसमें ज्यादा नहीं। खाना वाला तो आप लास्ट ब्लॉक में जाकर देखिए भाई, सही बोल रहा मैं, खाना तो गलत बात है, वो फेंकने का नहीं। हाँ, तो अभी हम लोग यही करेंगे, रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहेंगे, जो भी आवन जावन लोग होंगे उनसे कहेंगे भैया खाना फेंकना नहीं, हमारे पास वेस्ट बास्केट है, आप हमें दे दो। बकर है, पर वो भी नो पार्किंग का साइन है। अरे यहाँ पूरा नो पार्किंग है तो सर, चलिए आप गाड़ी में, कोई बैठा रहेगा ना तो लोग कुछ बोलेंगे नहीं। मैं हूँ ना गाड़ी में, चलो ना, ना जाइए पहले हो क्या, ये मैं आपकी गाड़ी में ड्राइवर बन के बैठता हूँ। तो क्या कर रहा है, पार्किंग क्यों कर रहा है ऐसे? ना नहीं, थोड़ा सही से तो लगाओ, किसी को तकलीफ ना हमारी वजह से। सबसे पहले तो आरटीओ वाले को तकलीफ है आपसे, नो पार्किंग लिखा है तो कैसे लगा रहे हैं? नहीं तो अंदर दबा दो। एकदम मास्क चढ़ा लिए, एकदम उधर पेड़ के पीछे, पेड़ के पीछे यहाँ पे एकदम खड़ा है ये बंदा, छुप के खड़ा है, एकदम नजर पे रखा है। कैमरा भी देख रहे हैं, कैमरा ऑन भी है,
ये देखिए कैमरा ऑन है, फुल तार रहा है, देख फुल तार रहा है हमको देख के। मैं ऐसे करूं उसको, ऐसे कर दूं उसको, लेडी सिंगम वाले कल पांच पांच लेडी सिंगम थी, मुझे देख ले बस एक बार उसको महसूस करा दूंगा कि उसको अनकंफर्टेबल करवा दूंगा मैं। आज लेडी सिंगम भी गई, देख एड उधर सबके सबका ध्यान पकड़, नहीं नहीं पकड़ाया, नहीं नहीं गया गया दौड़ा। क्या बोलू मैं, बहुत अत्याचार हो रहा है मेरे साथ में, सनस्क्रीन लोशन लगाना पड़ता है सुबह सुबह, सो खत्म करना है। आपके ब्लॉग में देखा था आपने लिया ऐसा, ऐसे से क्या फट 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 फट, ये क्या था मैं कमेंट में नहीं लिखूंगा, मिलेंगे जब बताऊंगा, याद आ गया तो बता रहा हूँ आपको। रुपीज का मास्क लिया है जो कल वाले ब्लॉग में, कल हम लोग घूमते रह गए लोखंड वाला मार्केट में, जो कि 100-100 रुपए का, 150 रुपए का, और छूना नहीं है आप इसको, ऐसे खोल के शॉप के अंदर इसकी क्वालिटी चेक नहीं कर सकते हैं, अगर आप क्वालिटी चेक नहीं देंगे फिर वो मास्क, मतलब ऐसे दुकानदार भी हैं जो मास्क को इस तरीके से बेच रहे हैं। तो खैर अपना बड़ी प्रोसेस है, तरीका है बेचने का, मास्क मिल गया 50 रुपए का है, विच इज़ गुड, ये हो गया, एक और मास्क आ गया, तीसरा मास्क है मेरे पूरे मार्च 2020 से जब से शुरू हुआ है तब से लेके अभी तीसरा ही, हम लोग का तीसरा, मेरा तीसरा। आपके कितने मास्क हो गए वैसे, आपके तो अंगी देखो उनके बहुत, पाँच वाले बहुत हैं, ऐसे वाले तीन ही है, तुमने दो चार देने दिए।